राधे राधे दोस्तों, आज हम अपने सुंदर से कान्हा जी के लिए एक प्यारा सा लाल मोतियों का नेकलेस बनाएंगे। आपको इनमें से जो भी कलर पसंद आए आप उस कलर के मोती चूज कर सकते हैं। इस नेकलेस के साथ साथ आज मैं आपको कृष्ण भगवान के जगन्नाथ मंदिर का एक रहस्य भी बताऊंगी जो आज तक अनसुलझा है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और इसकी मेकिंग के साथ साथ आज हम वो रहस्य भी सुनते हैं। माना जाता है कि कृष्ण भगवान ने जब अपने शरीर का त्याग किया था तब उनका हृदय सागर में बहता हुआ जगन्नाथ आ गया था और वो आज भी भगवान जगन्नाथ जी की मूर्ति में स्थित है। आपको पता होगा भगवान की मूर्तियाँ वहाँ पे जो तीन मूर्तियाँ हैं वो हर 12 साल से वो मूर्तियाँ चेंज होती है क्योंकि वो लकड़ी की बनी हुई है तो हर 12 साल से उन्हें चेंज करते हैं। तो उस दिन पूरे शहर की लाइटें बंद कर दी जाती है, मंदिर के चारों ओर CRPF जवानों का पहरा रहता है और जो मंदिर के पुजारी जी होते हैं उनकी आंखों पे भी कपड़ा बांधा जाता है और इस दौरान पुजारी जी उस ब्रह्म पदार्थ को मूर्ति में से बाहर निकालते हैं और जो दूसरी मूर्ति होती है उसमें उसको स्थापित करते हैं। कहा जाता है कि इन सब को अगर कोई देखने की कोशिश भी कर ले तो उसकी तुरंत मृत्यु हो जाती है। दोस्तों, आपको इस नेकलेस के साथ साथ ये फैक्ट भी पसंद आया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चलिए अब थोड़ी बातें हमारी वीडियो को लेकर भी हो जाए। तो ये देखिए मैंने नोट लगा दिए और ये सुंदर सा पेच जो हमने पहले बना के रखा था इसके ऊपर हम इस तरह से इसको चिपका देंगे और उसके ऊपर में ये हार्ड पेपर है वो चिपका रही हूँ। ये आप कोई सा भी शादी का कार्ड के जो हार्ड पेपर आते हैं कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। ये अब हम यहाँ पर लटकन बना रहे हैं। ये मैंने देखिए नियोन वाला थ्रेड लिया है पर बाद में लास्ट में मेरे को इसको चेंज करना पड़ा था। नियोन का थ्रेड चिपकाने में बहुत प्रॉब्लम होगी, जो नॉर्मल धागा आता है ज्वेलरी बनाने वाला थोड़ा मोटा साइज का वो वाला धागा लेके ही आप ये लटकन बना लीजिए। और इसके बाद हम यहाँ पर इसको 1x1 करके यहाँ पर चिपका देंगे, साथ में जैसे मैंने ये बंच करके चिपकाया था तो आप उस तरह से भी चिपका सकते हैं। यहाँ पर पहले हम ग्लू लगाएंगे, ग्लू लगाने के बाद हम ये देखिए इस तरह से लटकन को चिपकाने के बाद मैं इसके ऊपर बुकरम का एक राउंड पीस कट किया हुआ था वो चिपका दूंगी। अब हमें यहाँ पर ये मोती है ये काउंट करके लेने हैं। फर्स्ट लाइन में 18 मोती लिए हैं, सेकंड में 20 और थर्ड वाली लाइन में मैंने 22 मोती लिया है। उसके बाद हम तीनों लाइन में चार चार मोती ऊपर कर लेंगे और ये जो एक रेक्टेंगल शेप का पेच बनाया था वो लेंगे। उसी के साइज़ का मैंने हार्ड पेपर भी पहले से कट करके रखा था उस पर ग्लू लगा के मैं इसको इस तरह से चिपका रही हूँ। इनको चिपकाने के बाद आप 1x1 करके थ्रेड है इनको थोड़ा सा हल्के हाथ से टाइट कर लीजिए। ये देखिए हमारा पेच रेडी था, उसके धागे मैंने कट कर दिए हैं। अब यहाँ पर इसको हम उल्टा करके ये देखिए मैंने मोती लिया है, फर्स्ट लाइन में 5 मोती है, सेकेंड में 6 है और उसके बाद मैंने 7 मोती लिया है। तीनों लाइन में फर्स्ट में 5 है, सेकंड में 6 है, थर्ड वाली में 7 मोती लिया है। अब इसको मैं कैसे चिपकाया है मैंने वो मैं आपको थोड़ा सा पास में आके आपको जूम करके दिखा दूंगी। मैं ये देखिए फर्स्ट वाला जो है उसको मैंने थोड़ा सा राउंड करके क्योंकि ऊपर वाले स्टोन के ऊपर चिपकाया इसलिए है, बाकी का तीनों गोल करके ही धागा लिया हुआ है। उसके ऊपर अब मैं ये हार्ड पेपर है ये कट कर रही हूँ और जो साइड में थोड़ा बहुत धागा दिख रहा है वहाँ पे आप छोटी सी बुकरम की कतरन भी लगा सकते हैं। इस जगह पे देखिए यहाँ पे मैं ग्लू लगा के छोटी छोटी सी बुकरम की कतरन लगाई है क्योंकि हार्ड पेपर थोड़ी सी कटिंग मुश्किल होती है इसलिए। यहाँ पर फिर से हमने ये रेक्टेंगल शेप वाला पेच लगाया है। उसके बाद ये देखिए मैंने पीछे की साइड में चेन कैसे लगाई है, तीनों धागों को लेकर चेन में से निकाला है और ये जो ट्राइंगल शेप वाला पेच था हमने इसके साथ ग्लू लगा के हार्ड पेपर के साथ चिपका दिया है। ये देखिए हमारा नेकलेस बनकर बिल्कुल रेडी है। आपको इनमें से कौन सा कलर ज़्यादा पसंद आया एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको नेकलेस पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह से हम मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।